बेसिक शिक्षा विभाग में चयनित 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के दूसरे चरण में 36,590 अभ्यर्थियों के चयन एवं जिला आवंटन सूची जारी होने के बाद सभी की काउंसलिंग बुधवार से शुरू हो गई। जनपद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व डायट पर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें जिले में मिले 647 सहायक अध्यापकों के सापेक्ष बुधवार की 499 शिक्षकों की काउंसलिंग किया गया, जिसमें पुरुष शिक्षक 232, महिला शिक्षक 267 तथा 7 दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी शामिल रहे। शेष अभ्यर्थियों का गुरुवार और शुक्रवार को काउंसलिंग किया जाएगा, जिसके संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि शेष बचे अभ्यर्थी के काउंसलिंग 3 और 4 दिसंबर को कराई जाएगी। काउंसलिंग के बाद 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए BSA BN सिंह ने बताया। ये अमृता पांडे सुबह आ जाएंगे ये सब एसटीएफ चेक करेगी सर। हमारा महिला ही इनका कहाँ है, अरविंद यादव वाला वो हो ही गया, ड्रामा हो गया। और तो 47 बच्चे हैं, जिसमें से 314 महिलाएं हैं और 333 पुरुष हैं। उनकी काउंसलिंग हो रही है। 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा और संभावना है कि हम आज और कल में पूरा कर लेंगे। अगर कोई छूटा भी है तो भी उसकी काउंसलिंग 2-3-4 तारीख में कराया जाएगा और 5 को नियुक्ति पत्र 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री की कल कमरों दिया जाएगा।